कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। मैंने भी एक नई चीज सीखी है, वही दिखाने के लिए आई वेंट टू शिफू। अगर यहाँ की जगह की बात करेंगे तो इनके चाइनीज, इटालियन और थाई खाना बुरा मान जाएंगे। तो परफेक्ट, आप इसका एम्बेसडर एंजॉय करो, फिर हम इसके खाने की जगह मिलते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने इनका ऑर्डर किया स्टार्टर में डंपलिंग्स, यहाँ पे इंडियन जिनको मोमोज भी कहते हैं। आई ऑलरेडी ट्राई दिस बिफोर, इसकी आपने शक्ल देखी है तो उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। हमारी जो हमने सीखा आज, वो चॉपस्टिक्स भी आ गई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। अभी न्यूली बिगनर, मैं भी फर्स्ट सेकेंड टाइम ही है मेरा भी, तो डोंट जज नहीं करना हमें ज़्यादा, ठीक है। बोल बोल के इनका म्यूजिक यहाँ पे एम्बियंस काफी ज्यादा अच्छी है, काफी क्वाइट स्मूदी सी वाइब बनाई है। वही चाइनीज म्यूजिक, चाइनीज टेम्पल्स में जिस तरह का म्यूजिक होता है उस तरह का म्यूजिक लगा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। ऊपर इनके जो सा है वो सारा बफे सिस्टम है, आप यहाँ पे बफे डील भी कर सकते हो। ऊपर काफी ज्यादा का हुजूर था इसलिए मैं ऊपर ही गया हूँ, लेकिन सिनेमैटिक्स बने गए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे आगे डंपलिंग्स कराए, ये हमने इसके क्लोजअप देखे हुए हैं और ये सारे इसके जो उनसे अंदर है ब्लैक पेपर सॉस है और ऊपर उन्होंने थोड़ी गार्निशिंग की हुई है। पर सबसे पहले हम इसकी सॉस को बाहर निकाल देते हैं, ये अंदर रहने देते हैं। पहले मैं आपको ये ठंडे हो देने, पहले हमने आपको थोड़ा सा लेक्चर दे ले जो मुझे मिला था वो सिखाने के लिए। फर्स्ट आपके पास ये चॉपस्टिक आ गई, आपने चॉपस्टिक को यहाँ से ऐसे नीचे से पकड़ना है, ये थंब रखना है, ये ओवर चॉपस्टिक, ये अंदर चॉपस्टिक और ये इसके नीचे। ऐसे आप जब इसको ऐसे पकड़ेंगे ना फिर आपके ये जो सी ऐसे ऐसे ट्विस्ट होगी, ये ऐसे टक टक करेगा, फिर आप खाना खा सकोगे। इसका पर्पस ही ऐसे, आप ये ऐसे करके इसमें वो नीचे अपनी चीज़ को ऐसे करना, स्टक करना और सिंपली आपके माउथ में। ये क्वाइट ईजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक दो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको भी आ जाएगा। अच्छा देखिए, जो प्यास लग देती है। ओके, गो अहेड। फर्स्ट ये है, हम अपने ब्लैक पेपर सॉस को ही बाहर निकाल लेते हैं, अपने एक टम्पलर्स को हम बाहर निकालते हैं। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है उन्होंने, वो ऊपर उसका एजेंसी है नीचे वाली प्लेट अच्छी वाली बनाई है। उसके जो जो सोसेज होते हैं थोड़ी सी होते हैं, ड्रेन होते हैं डिब्बित करके ना, वो गिरता रहता है। उसके लिए उन्होंने नीचे उनके प्रॉपर एक केज में है जिसकी वजह से वो गिर नहीं रहा। सो अगेन यार, हम ओवर चॉपस्टिक, अंडर चॉपस्टिक और ये हमारे आ गए ऐसे, ये आपकी चॉपस्टिक में आ गई। और कितना कमाल की भी फीलिंग है कि चॉपस्टिक से खाना खाना आ गया। आई एम नॉट अ चाइनीज लवर बट सिर्फ ये चॉपस्टिक के लिए सिर्फ मैं ये वाला लहसुन चूज किया। सो गो अहेड, थैंक्स टू गॉड। ये चिकन कैटेगरी में मैंने मंगवाया, एक और भी कैटेगरी थी शिंगू वो कहते हैं जिसको, झिंगे टाइप आई गेस, वो भी कैटेगरी थी, लेकिन मैं वो मुझे वो इतना खास पसंद नहीं है इसलिए मैंने चिकन कैटेगरी में मंगवाया। सो देख रहे हो कितना स्टिफ है, ये गिरेगा भी नहीं, स्पून से नॉर्मल गिर जरा गिरा। क्वाइट स्पाइसी है, जिनका ब्लड प्रेशर का मसला होता है, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता
थोड़ा स्पाइसी चीज़ें मत खाए, तो जो आज मज़ा आ रहा है मुझे तो, अच्छी फीलिंग आ रही है कि वाह माय प्लान वाज सक्सेसफुल, वो खुद ही गया मेरे से नहीं, तो गो अहेड। इनकी बफे हाइट भी मैंने आपको सिनेमैटिक्स में दिखा दी थी, किसी इंटरेस्टेड तो आप वो भी कह सकते हैं। परफेक्ट, मुझे अब ये इसका खाने का इजी हो गया, ऐसे चॉपस्टिक से खाऊंगा, लेकिन वो भी बाद में मैं दिखाता हूँ, उसके डिटेल्स इसके बाद में देता हूँ। परफेक्ट, आफ्टर फिनिशिंग माय डील, सो मेरा भी फर्स्ट से सेकेंड अटेम्प्ट था चॉपस्टिक के साथ। अगर आपका भी ये भी न्यूली है तो डेफिनेटली डोंट बी स्केयर, एक दो दफ़ा ट्राई करने में आप भी मास्टर हो जाएंगे इसके। अगर मेरे ये खाली डम्पलिंग्स की बात करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था, तो उसके बाद मुझे कुछ फील नहीं हो रहा कि उसको ज़्यादा मैं खाऊं, तो उसके रेटेक्स की बात करें तो ये इसके रेटेक्स ऊपर, इनकी बफे हाइट ही भी है जिसके, अगर उनके भी रेटेक्स की बात करें तो उसके भी ये रेटेक्स है। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड तो आप नॉर्मल भी डाइनिंग कर सकते हैं, उनकी बफे हाइट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दैट्स, उनकी लोकेशन तो डिसीजन में ऐड कर दूंगा, काफ़ी कंजेशन से जगह थी, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड तो आप मेरा चैनल लाजमी विजिट कीजिएगा, आपको बहुत सी अच्छी वीडियोज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने हाई एफर्ट काम किया हुआ है। तो डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वेट, बिफोर वी एंड दिस वीडियो, आई विल शेयर यू एक स्कैम के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा जो मेरे साथ कब इतनी देर से होता आ रहा है। वो स्कैम क्या है, ये रेस्टोरेंट के जो बिलिंग में ये थोड़ा सा घपला करते हैं, बिकॉज अगर आप मेरा चैनल विजिट करेंगे तो आपको मोस्टली 60-70% आपको फूड ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और वो भी सारे पोश 5-star रेस्टोरेंट्स के। और उनमें बड़ी एक चीज़ कॉमन जो मैंने नोटिस की थी और जिसको आज तक मैं अनदेखा करता आया, अगर मैं चाहता तो ये चीज़ का बड़ा अच्छा क्लिकबेट्स के लिए थंबनेल पे लिख के ऐसे और टाइटल पे लिख के एक्सपोज कर सकता था, लेकिन अब मैं किसी की बदनामी से अपना नाम नहीं बनाना चाहता। सो रीज़न ये है कि नॉर्मली रेस्टोरेंट्स पे एक बिलिंग में बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है, और जो मैं भी हमेशा कार्ड से पे करता था, जो कार्ड से पे करते हैं उनको कभी भी नहीं पता चलेगा, कैश वालों को शायद भी थोड़ा सा पता चल जाए। और वो क्या मसला है, ये है मेरे आज के रेस्टोरेंट के जो बिल मुझे मिला था, ये बिल था। तो इसके अगर आप पूरा अगर नोटिस करेंगे तो इसके जो उनसे ऊपर वाले रेटेक्स लिखे हैं, और जब नीचे उसको टोटल करते हैं तो एग्जैक्ट प्राइस नहीं आ रही, उन्होंने एग्जैक्ट प्राइस ये की है टोटल, और एग्जैक्ट प्राइस वैसे इसकी ये है। तो ऑलमोस्ट मेरे पूरे बिल में से उन्होंने 200-300 रुपये का घपला किया है, विच इज़ नॉट अ बिग डील। मुझे, मैं ये अज्यूम कर सकता, ये वीडियो देखने वाले की काफ़ी लोगों के लिए 200-300 रुपया कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा भी बात है कि आपके लिए कोई बुरी बात, इतना पैसे नहीं वैल्यू रखते, बट स्टिल अगर आपकी हलाल की कमाई है तो लाजमी आपको इसके लिए वरीड होना चाहिए कि आप ये अगर रेस्टोरेंट्स को छोड़ते जाएंगे तो उन तो उनका तो फ़ायदा और है, आप ही नुकसान कर रहे हैं। यही आप 200-300 जो इनको छोड़ रहे हो, ये आप गरीबों को दें। और लाजमी आप हाईली रिकमेंड कि अगर आप कैश से या कार्ड से पेमेंट करें, लाजमी आप बिल इनका लाजमी चेक करिएगा, क्योंकि मेरे साथ ही काफ़ी देर से ये चीज़ होती आ रही थी और मैं इग्नोर करता था। सो आज इसके लिए मैं विशाल साहब ने आवाज़ उठाई है, अगर आप भी ये चीज़ देखें तो लाजमी ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मली कैजुअली उनसे बात कर सकते हैं कि ये आपके थोड़ा ग्लिच आ रहा है, जो उन्होंने अचानक नहीं आता ये किया जाता है, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो लेट मी नो इन कमेंट्स, और होप सो कि आपके साथ ना ही हो। तो दैट्स इट, ये एक छोटी सी एक्सप्लेन वीडियो आ रही, इसको एंड करते हैं यहाँ पे। मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल, और बाकी ये वीडियो लाजमी देखिएगा, उससे पता चलेगा कि बाकी के रेटेक्स में क्या ग्लिच आता है, और पहले कभी नहीं बताया, अभी बताया मैंने।